सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। मैं बैंगलोर में आया हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों में से आप लोगों को पता है कि मैं बैंगलोर में हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे पता है कि मैंने स्टोरी डाला हुआ था। सो बेसिकली यहाँ पे एक फ़ोन का लॉन्च इवेंट है और मुझे बुलाया गया है कुछ यूट्यूबर्स में से कि यहाँ पे मैं आऊँ, उसको देखूँ और उसको कवर करूँ। सो या बेसिकली मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं अभी लीला होटल में हूँ इन बैंगलोर। एंड भाई, मैं लास्ट टाइम जब बैंगलोर आया था करीब अब से 2-3 साल पहले, तब से लेके अभी तक मैं भी बहुत ज़्यादा बदल गया है बैंगलोर। 10:30 हो चुका है, 10:30 को हमें नीचे बुलाया गया है ब्रीफिंग के लिए इवेंट के। एंड देन फिर देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। मेरी रात की 8 बजे की फ्लाइट है एंड मेरा प्लान किसी एक बहुत स्पेशल बंदे से भी मिलने का है। सो आई डोंट नो वो भी हो पाएगा या नहीं। अगर मैं इवेंट से जल्दी फ्री हो गया तो मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं मिल लूँ उससे। बहुत सारे लोगों को अब तक तो अंदाजा हो गया होगा। सो करेंटली दिस इज माई रूम और ये तो वॉशरूम है। हाय ब्रो, रात अच्छे से सोया? बढ़िया बढ़िया। तो ये मेरा सूटकेस, छोटू डफल बैग एंड ये हमारा रूम है, प्यारा सा छोटा सा ही रूम है, मस्त सा रूम है। लेकिन व्यू देखो गाइस, कितना अमेजिंग है यार। मतलब लग रहा है ऐसे, अगर कोई दिखाए तो लग रहा है कि ये बैंगलोर दिखा रहा हूँ मैं, किसी भी हालत में नहीं लग रहा है। कितना अमेजिंग लग रहा है, देख रहे हो? सिटी व्यू है लेकिन बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो चलो अभी नीचे जा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो मैं कैमरा कैरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कर ही लेता हूँ। चलो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। मैं अकेला हूँ यहाँ पे इन पर्सन, लेकिन मेरे साथ 12 लाख लोग भी हैं। बहुत ही प्यारा इवेंट था। हम में से बहुत सारे लोग गेमर्स हैं और हर कोई चाहता है कि किसी के पास अच्छे से अच्छा फ़ोन हो। सो यहाँ पे मेरे पास Redmi Note 11 Pro Plus 5G है। इसको जल्दी से खोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पे एक कवर है जो इसके साथ आता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अमेजिंग कलर में मिराज ब्लू Redmi Note 11 Pro Plus 5G, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये देखने में। उसके बाद अंदर हमारे पास यहाँ पे एक 67 वॉट का फास्ट चार्जर है। मतलब 67 वॉट बहुत ज़्यादा हो गया गाइस। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इसके साथ इसका केबल आता है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस डिवाइस के साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जो कि आई गेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। ये क्लेम किया जा रहा है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम्बाइंड टेक्नोलॉजी जो इन लोगों ने दिया है, जिस तरीके से वो डे लाइट में शूट करेगा पिक्चर्स, उसी तरीके से ये नाइट में भी हेल्प करेगा। ब्राइटनेस एंड द कॉन्ट्रास्ट कम्बाइंड जो इमेजेस होंगी वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कैमरा सुपर क्लच आने वाला है। सो नाउ हम लोगों के एस्पेक्ट से बात करते हैं, हम गेमर्स के एस्पेक्ट से, जो कि है यहाँ पे 67 वॉट का फास्ट चार्जर। 15 मिनट्स की सिर्फ चार्जिंग पे इट कैन सपोर्ट योर फोन फॉर द होल डे अगर आप नॉमिनल यूज करते हो एंड गेम खेलते हो। सो ऑब्वियसली 67 वॉट का चार्जर इज गोना हेल्प यू बहुत बहुत ज्यादा तरीके से। चार्जर इज कमिंग विद द बॉक्स, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अब रीसेंट डिवाइसेस में चार्जर नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे चार्जर आ रहा है, सो विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट। ऑल्सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3.5 mm जैक भी दिया हुआ है। बहुत सारे डिवाइसेज में अब रिसेंटली 3.5 mm जैक को हटा दिया गया है, बट अब यहाँ पे 3.5 mm जैक आ रहा है। हर किसी के पास ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं होता हम लोगों में, लेकिन बहुत अमेजिंग चीज़ लगी मुझे। ये 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ ये स्क्रीन आ रही है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग कि अगर आपको इतने इस डिवाइस में इतने सारे फीचर्स के साथ 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इतने सारे आपको फीचर्स मिल रहे हैं डिवाइस के अंदर, ऐसा नहीं है कि यू आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज लुक्स बेसिस पे। प्रीमियम लुक के साथ दिया है कैमरा, लोकेशन बहुत ही अच्छे से प्लेस किया गया है। द कलर, ये मिराज ब्लू अमेजिंग लग रहा है। मतलब मेरे हाथ में जिस तरीके से ना, आई डोंट नो ये कैमरा उतना जस्टिस दे पा रहा है इसको, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग दे रहा है, एज इफ कि मैंने इसको अंडर वाटर, एक क्लियर अंडर वाटर में रखा हो, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ। सो गाइज, Redmi की तरफ से बहुत ही अमेजिंग वर्क था एंड कूडोज टू देम फॉर बिल्डिंग सच अ ब्यूटिफुल एंड
पावर पैक्ड फोन, आपको सारा गेमिंग एस्पेक्ट से सब कुछ मिल रहा है, कैमरा भी बहुत ही अमेजिंग है इसका। इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस डिवाइस रेडमी नोट 11 प्रो प्लस, और अगर आप लोगों को अगर प्लस नहीं चाहिए तो आप लोग रेडमी नोट 11 प्रो भी ले सकते हो, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G के साथ आता है। सो यस, बहुत ही अमेजिंग है, मेरा तो दिल पूरा भर गया भाई इसको देख के, द लॉन्च इवेंट एंड हैंड्स ऑन जो है फीलिंग है ना, अमेजिंग। तो गाइज अभी मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। आज का दिन इतना हेक्टिक था कि वैसे तो मेरा चेकआउट होटल से 2 बजे का था, लेकिन इवेंट ही मेरा जो है 5 बजे तक कुछ करीब चला, एंड फिर उसके बाद इतना लेट वैसे ही हो चुका था तो मेरा चेकआउट ड्यू था। तो मैं जैसे ही कमरे में घुसा मैंने फट से अपना सामान पैक करा एंड मैं भागा फौरन। मेरा फ़्लाइट 9:40 को है, तो कितना बज रहा है, 8:30 बज रहा है, एंड 8:55 की मेरी बोर्डिंग है, मुंबई जा रहा हूँ वापस। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं MSK भाई से मिला था, आई डोंट नो वेदर यू नो हिम और नॉट, MSK व्लॉग्स, और वो ट्रैवल व्लॉगर हैं बेसिकली, तो बहुत बहुत अमेजिंग व्लॉगर हैं। मैं उनसे मिला आज ही मिला पहली बार, एंड मैं तो व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि उनका फ़्लाइट जल्दी था, तो बहुत जल्दी जल्दी में मिल गए एक्सीडेंटली, और उन्होंने अपने व्लॉग में तो मैं मतलब उनके व्लॉग में तो मैं हूँ, तो उनका बहुत फ़्लाइट के लिए डिले हो रहा था तो भाग ही गए अपने गेट की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई और मैं 2 बजे करीब गेमिंग हाउस पहुँचूंगा, एंड आई नो मैं जितना थका हुआ हूँ सुबह से भागा दौड़ी, मैं जाके क्रैश कर जाऊँगा बेड पे, घर पहुँच के अगर कोई झगड़ा हुआ तो ठीक, अदरवाइज़ आई विल स्ट्रेट अवे स्लीप, और कल हम लोग ये ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि कैसे कैसे अभी गुजरता है, आज रात होता है या सीधा कल सुबह ये कैमरा खुलता है सिनेमैटिक्स के बाद। मामा तुम्हारा नाम लिया और तुम आए हो कसम से, मुझे पता है ऐसा ही हूँ मैं, तुम पहले ले लेते मैं और पहले आ जाता, बहुत बार लिया। आज का प्रॉप नाइट कैसा था? आज का अच्छा था, थोड़ा सा सीख रहे हैं लड़के, सीख रहे हैं लड़के, सीख रहे हैं, रेड को आता था थोड़ा। नया मैप कैसा है? नहीं ट्राई भी नहीं किया, मजा नहीं आ रहा था। मैं बताऊं उसमें इंटरेस्ट उतना ही है जितना अमंगस का नया मैप में था, एयरशिप में लेकिन अच्छा 0-1 से लीड कर रही है, सेकंड लेग है क्या? ओहो लेट्स गो, देखो तू ने लुआ ना, टू ऑल बोल रहा है तू, सॉरी गलत बोल गया, मतलब अब तो भयंकर अगर जो है फॉर्म में आ गया बंजीमा अंजीमा तो ही जीतेगी, वरना तो ना होगा। यस लेट्स गो, गाइस विहान शाह इज बैक इन द हाउस, मेंचिस हम लोग मिले भी तो थे, कहां मिल गए भाई? याद है जब नीचे एसएटएल का वीडियो बनाया था, कब बना दिया हमने, आपने भी ब्लॉग करा था, भूल गए मामा? कैसे अरे दुदु कर रहे हो, ये देखो बेशरम को कह रहे तुम मिले ही नहीं, याद ही नहीं है इसको। गाइस इसने जो है मेरा कैमरा शॉर्ट किया था, गाइस से बाकी बाबू आई एम सॉरी। अच्छा बताओ वाइपर क्यों हुडी पहनता है? क्योंकि मुझे पसंद है। नहीं नहीं सर, ठंड नहीं होती अभी अभी वाइपर सबको पता ही है, देखो तभी से होए, देखो हम लोग ज्यादा पैसा कमाते नहीं, वाइपर ज्यादा कमाते हैं, हुडी पे रखने का ज्यादा ज्यादा जगह होता है ना, यहाँ पे भी बोल कौन रहा है, अरे एक सेकंड बोल कौन रहा है। देखो देखो गाइस मैंने सलमान पहना हुआ है, ठीक है सलमान पहना हुआ है, ये देखो लिमिटेड एडिशन टी शर्ट पहनते हैं, अरे वो लिमिटेड एडिशन लिखवाना पड़ता है उसको बताने के लिए कि हम भी लिमिटेड मैं नमन और आदि बैठे हुए थे, ठीक है, तो नमन मुझे सिखा रहा था कि ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए लाइफ में ये और वो, तो एकदम से बैठे बैठे बोले यार मामा ज़ारा के कपड़े कितने के होते होंगे, तो मैंने कहा ज्यादा महंगे नहीं होते, 5,000 की टी शर्ट होती है, हाँ 5,000 की टी शर्ट होती है, सस्ते होती है। दोनों नमन और एक दूसरे को देख ऐसे एकदम से बोले,
5000 is like सस्ता। अब वाइपर की तरह थोड़े हो, चार पांच हुडी खरीदा, टी शर्ट है तेरे और क्लोजेट में सुनो भाई मेन चीज बनियान की तरह पहनता है वो भाई वहाँ पे थकी पूल पार्टी हो रही है वाइपर हुडी पहने खड़े भाई मैंने तो वाइपर को जीन से पहली बार देखा है। ओ जीन से वाइपर के पास मुझे तो लगा वो पूमा वाले का है। पूमा का वाला है। 2019 में दिसंबर के महीने में बोरीवली के में एक जो है मॉल है, क्या है, क्या नाम है, फिनिक्स मॉल है। फिनिक्स मॉल है, हाँ शायद फिनिक्स है, जहाँ पे हम लोगों को वो पसंद आई थी। अरे मामा मामा मुझे भी पसंद आई थी, बार बार मुझसे भाई पर बोलता मामा लेके चला मैं खा ले अपनी मम्मी की कसम, खा ले अपनी मम्मी की कसम, खा ले अपनी मम्मी की कसम मामा। हो अच्छा देखिए अपनी अच्छा तू उससे कह दे अपनी मम्मी की कसम, खा ले मामा झूठ बोल रहा है मेरे को याद ही नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा मैं झूठा, मुझे झूठा बना दे, तू उससे कह दे मम्मी कसम यार एक सेकंड मुझे किस्सा याद हो तो मैं खाऊ ना, मेरे को याद ही नहीं कब का बात कर रहा है वाली। हमने एक बार नहीं खा रहा है, देख रहा है हम कसम तब खाए जाओ, उनको किस्सा याद हो ना, हमको सही में किस्सा याद नहीं। अच्छा तू मम्मी कसम खा ले तेरे को किस्सा भी नहीं याद है। ये फंस गया, ये क्या यार बच्चा है क्या, हर जगह फंसेगा ये आदि में, छोटी बच्ची हो गया समझ यार क्या हो गया आदि, कहां मैच देखने चला गया था यार, क्यों क्या हो गया, कितना स्कोर था, 2-0 से जीत रही थी, 2-0 ना, हां पर पीएसजी 3-2 हो गया, 3-2 हो गया, बेंजेमा ने हैट्रिक मार दिया। अब ये अगर मैच देख रहा होता, ये तो शूट करा रहा था हमारा, इसलिए इसने देखा नहीं। बोला सोच तुम लाइव देखता और ये गोल खाते हुए देखता तो कितना ज्यादा दर्द होता। हां तुमने बचा लिया, तुमने अरे मैं देखता तो गोल ही नहीं पड़ता, तुम देखता तो तुम उधर टीवी भी फोड़ देता। तो तुम लोग जब बर्लिन गया था, तुम लोग अलग मार खाता, तुम लोग जब बर्लिन गया था तब हम पूरा मैच देखा तब भी। इसको रूम में बंद कर देना अगली बार से, सोल कभी ये कारण है कभी साला। सो गाइज उम्मीद से हटके जो है मुझे लग रहा था कोई भी यहाँ पे जग नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सब लोग जग रहे थे। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर प्यार देना, गेमिंग हाउस में आप आ गए, व्लॉग आएंगे लेकिन मस्त वाले आएंगे, डेली व्लॉग्स नहीं लेकिन सिर्फ मस्ती वाले। और बाकी अगर डेली व्लॉग्स देखना हो तो हमारे विहान शाह वहाँ पे हैं, विहान शाह को जाके रोज़ प्यार देना, ठीक है ना। प्रसिद्ध भाई भी अभी थोड़ा थोड़ा व्लॉगिंग में उतर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं उनको, धीरे धीरे सारा धंधा खाने की कोशिश है, लेकिन चलो ठीक है, प्यार देते रहना दोनों भाइयों को अपने, ठीक है, सिया वेरी सून, कमेंट्स में प्यार देना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है।